नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं को 35% आरक्षण देते हैं, लेकिन सिर्फ आरक्षण देना ही काफी नहीं है, अगर कुछ करना है तो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कीजिए। ये कहना है आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का। आपको बता दें कि बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि एसडीएम लेवल तक के पोस्टिंग में अब महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा, जिसको लेकर अब मृत्युंजय तिवारी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ये हमारी मांग तो पहले से ही है, पहले से ही हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन इस वक्त यह बेहद जरूरी है कि आप महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कीजिए, क्योंकि आज भी बिहार में महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं और यही कारण है कि अब महिलाओं को सुरक्षा देने का समय आ गया है। क्या कुछ कहना है आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का, आप पहले उनके बयान को सुनिए। बिहार सरकार ने महिलाओं को 35% आरक्षण BDO, CO, SDM थाने के स्तर पर देने की बात कही है। ये आरक्षण 35% महिलाओं को दिया जाएगा, ये सरकार ने फैसला लिया है। महिला सशक्तिकरण को लेकर के हमारी पार्टी लगातार आवाज़ उठाती रही है। ये आरक्षण 35% तो सही है, इसको तो और ज़्यादा करना चाहिए। लोकसभा विधानसभा में हमारी पार्टी तो 50% महिलाओं को आरक्षण देने की बात कहती रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है महिलाओं को सुरक्षा देने के नाम पर सरकार जिस तरह से विफल साबित हुई है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड अभी तक लोग नहीं भूल पाए। महिलाओं को सुरक्षा सरकार को देने में प्राथमिकता अपनानी पड़ेगी। महिलाएं आज बिहार की असुरक्षित महसूस कर रही हैं। ये सरकार जिस तरह से महिलाओं को 35% आरक्षण की बात अभी कह रही है, ये तो हम लोगों का पुराना मांग रहा है। तो आपको बता दें कि 35% आरक्षण देने के बाद से ही विवाद तेज हो गया है। इतना ही नहीं, जब पोस्टिंग की जाती है तो उसमें महिलाओं को जगह भी नहीं दी जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि भाजपा और जदयू के बीच चल क्या रहा है, क्योंकि जदयू अगर कोई निर्देश जारी करता है तो उसे भाजपा के मंत्री नहीं मानते हैं और यही कारण है कि इस वक्त बिहार में विवाद का दौर चल रहा है। ऐसे में आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी ने साफ तौर से कहा है कि यह मांग तो हमारी पहले से ही थी, हम पहले से ही कह रहे हैं कि महिलाओं को 35% क्या उससे भी ज्यादा आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन इन सब के बीच ज्यादा जरूरी ये है कि बिहार की महिलाएं सुरक्षित महसूस करें और यही कारण है कि अब सुरक्षा के नजरिए से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कदम उठाना चाहिए और बिहार की महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।